सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 4 दिन की छुट्टी का आदेश जारी हुआ है। ऐसे में ये जो आदेश है वो महादेव श्रावण मेले के उपलक्ष में रहेगा और 30 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक छुट्टी रहेगी, यानी 30 जुलाई और 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त। तो 2 अगस्त तक 4 दिन हो जाएंगे और 4 दिन की छुट्टी का आदेश जारी हो गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं नगेंद्र मिश्र जी, शायद बागपत जिले के ये DPO हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पर एक ये लेटर जारी कर दिया है। लेटर का पत्रांक आप देख पा रहे हैं जो कि 345 है और डेट जो है वो 27 जुलाई है। ऐसे में कहना चाहेंगे कि ये जो लेटर जारी हुआ है इसको लेकर के अग्रिम सूचना आप सब बहनों को इसलिए दी जा रही है कि आप सबको पता रहे कि आपके वहाँ पर बागपत जनपद में अब छुट्टी रहेगी, क्योंकि बहुत सी बहनों को हो सकता है इसकी जानकारी ना हो पाएगी अगर, और जो वीडियो नहीं देखेंगी तो उनकी छुट्टी ये बेकार जाएगी। तो इसीलिए मेरा सुझाव है कि इस वीडियो को जितनी भी बहनें देख रही हैं वो बहनें हर जगह शेयर कर दें ताकि सब जगह पता भी चल जाए। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सावन में मेले के चलते 30 जुलाई से 2 अगस्त तक छुट्टी घोषित की गई है ताकि अब बच्चे वहां पर अपना मेला भी देख पाएंगे। तो आंगनबाड़ी के बच्चों को लेकर के छुट्टी का ये आदेश है और भी जनपद में ये आदेश ऐसे होने चाहिए ताकि हर जगह ये जो मेला होता है वो बच्चे अपना जा पाएं, क्योंकि जनपद तो सब एक जैसे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्राएं चलती हैं, इस दौरान जो है यहाँ पर सोमवार को भीड़ भाड़ भी बहुत रहती है, तो जाहिर सी बात है बच्चों को स्कूल उस दिन जो है नहीं जाना है, इसीलिए जो है प्रशासन अक्सर ये छुट्टियों को देता है। आपने एक जनपद का और पहले माजरा देखा था, वहाँ पर भी यही सब बताया गया था। देखिएगा, जिलाधिकारी महोदय बागपत के अनुमोदन में दिनांक 26 जुलाई के द्वारा पूरा महादेव श्रावण मेले के दृष्टिगत दिनांक 30 जुलाई से 2 अगस्त तक आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र निर्धारित समयानुसार खुले रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र पर आवश्यक सुविधाएं, गृह भ्रमण, लाभार्थी का स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, अनुपूरक पोषाहार का वितरण, ये सब काम यथावत चलता रहेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका द्वारा केंद्र का संचालन निर्धारित समयानुसार भी किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आंगनबाड़ी सेंटर पर छुट्टी आंगनबाड़ी बहनों की नहीं रहेगी लेकिन बच्चों की पूर्णतया छुट्टी रहेगी। तो जाहिर सी बात है भीड़ के चलते, भीड़ के दृष्टिगत ये आदेश निकाले गए हैं। जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं बागपत में, जिसके आधार पर DPO जो बागपत के हैं उन्होंने अपना लेटर जारी कर दिया है। वहीं आगे आपको बताना चाहेंगे, रेखा बहन है और ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद से आती हैं। इन्होंने एक बड़ी ही जरूरी जानकारी भेजी है जो कि अमर उजाला में प्रकाशित हुई है। मामला है आंगनबाड़ी वर्सेस आशा वर्करों का। यहां पर आशा वर्कर प्रदर्शन की, उन्होंने आंदोलन की यानी चेतावनी दे दी है। क्यों दे दी है वो भी आपको हम बताते हैं। अम्बेडकर नगर जनपद का मामला है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत कराए जाने वाले जो कार्य हैं, जो आशाओं को पहले दिए जाते थे, अब उनको उठा करके आंगनबाड़ी को दे दिया गया। इसी नाराजगी के चलते बताया जा रहा है कि आशा बहुएं अब आंदोलन करेंगी, जिसलिए लिखा गया कि काम जो थे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ना कराकर आशा बहुओं से ही कराए जाएं। इन कई अन्य मांगों को लेकर के आशा बहुओं व आशा जो संगिनी हैं इन सब ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट के निकट प्रदर्शन किया है। बाद में CMO कार्यालय तक पदमार्च करके CMO को भी ज्ञापन भी सौंपा है। कहा है कि यदि उनकी समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। यानी आशा बहनें चाहती हैं कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का काम पहले की तरह उन्हीं से ही कराया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर एक ये जानकारी आई है। अब आगे ले चलते हैं, आपको और भी कुछ बताना चाहेंगे।
दरअसल यहाँ पर कुछ और बातें हैं कि ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण सेवा समिति के बैनर तले आशा बहुओं ने कलेक्ट्रेट के निकट प्रदर्शन किया। कहा कि वंदना योजना के तहत जो कार्य आशा बहुएं कर रही थीं उसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, इससे आशा बहुओं का हक मारा जा रहा है। जब आशा बहुएं अपने कार्य को बेहतर ढंग से कर रही हैं तो उसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिए जाने की क्या जरूरत है, ये तो वहां पर आशा बहुओं का कहना है। वहीं आशा बहुओं के स्वास्थ्य विभाग का क्या कहना है वो तो लेटर में आप पहले देख ही चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ये हवाला देते हुए जो है अपने स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा आंगनबाड़ी को सौंपा कि इस काम में जो है प्रगति नहीं हो रही है, यानी इस काम को अच्छे तरीके से स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ये कार्यकर्ताएं नहीं कर रही आशा, इस वजह से आंगनबाड़ी में यानी बाल विकास विभाग को ये कार्य सौंपा जा रहा है। तो यहाँ पर गुणवत्ता नहीं थी इन कार्यों में स्वास्थ्य विभाग के तहत, इसलिए महिला बाल विकास विभाग को दिया गया। इधर आशा का कहना है जब आशा ढंग से कार्य करती हैं बेहतर ढंग से तो फिर आंगनबाड़ी को दिए जाने की क्या जरूरत। अब इसमें अलग अलग तरीके से चीजें हैं और वहीं पर आंगनबाड़ी बहनें भी इस बढ़े हुए काम के बोझ के चलते खुश नहीं है। तो क्यों ना ऐसा हो कि जो है जिसका काम वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साझे, तो अगर आशा कार्यकर्ता का ये काम है तो ये उनसे ही कराया जाए। इस तरह के जो भी कार्य थे वो पहले से करती चली आ रही थी तो उनको कराया जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी के पास आशा से बेहतर कार्य है, जैसे कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन देना सबसे जरूरी और सबसे अच्छा काम था कार्यकर्ताओं की दृष्टि से भी। लेकिन जब ऐसे कामों में स्वास्थ्य विभाग के कामों में प्रशासन उनको उलझा करके विभाग रखेगा तो आप बताइए बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन वो कैसे दे पाएंगी, और उनका जो मेन काम था आंगनबाड़ी के बच्चों को वो नहीं कर पा रही हैं। टीकाकरण जैसे काम और भी हैं, उन सब में तो हाथ बटाती ही हैं और भी कई तरह तरह के काम हैं, तो ऐसे में क्या जरूरत थी कि और काम का बोझ उनके ऊपर लाद दिया जाए, वो भी तब जब निदेशालय से और साथ ही आपके भारत सरकार से आपके हाई कोर्ट से हर जगह से लेटर हैं कि आंगनबाड़ी से गैर विभागों के कार्य ना लिए जाएं। फिर भी इस तरह के कार्यों का बोझ डालना कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता, और वहीं दूसरी तरफ आशा कार्यकर्ता भी इन सब चीज़ों से काफ़ी सरकार से नाखुश हैं। जिला संरक्षक पुष्पा तिवारी व जिला अध्यक्ष उषा पटेल इन्होंने कहा कि यदि योजना के तहत होने वाले कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दिया गया तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, इस प्रकार की उपेक्षा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनीता वर्मा, नीलम सिंह ऐसे बहुत से लोग हैं ये आशा वर्कर जिन्होंने कहा कि हेल्थ वेलनेस सेंटर का भुगतान अप्रैल से अब तक नहीं हो सका और PMMVY का भी भुगतान 2019 से लेकर 2023 तक नहीं हो सका। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में कुछ अपनी अपनी सेखी यूनियन बघार रहे थे और कह रहे थे बहुत कद्दू में तीर मार लिया मैंने, जो हमारे यूनियन के ये प्रयास रहे कि अब देखो आशा वाला काम आंगनबाड़ी को मिल गया, इससे इनकम हो जाएगी बहनों की, ये फॉर्म भरेंगी तो पैसा मिलेगा, इस तरह के कामों को हवाला देते हुए ये कह रहे थे। जबकि इन मामलों में आप सबको पता है जो पहले से विभाग में 75 काम लिए जाते हैं उन पैसों के भुगतान में भी ढंग से पारदर्शिता नहीं देखती, यहां तक कि मानदेय भुगतानित धनराशि के मैसेज में भी आप देखते हैं PLI 4 की धनराशि खातों में क्रेडिट नहीं होती लेकिन मैसेज में दिखता। ऐसे एक नहीं 200 वाक्य आपके सामने ऑल इंडिया ने प्रस्तुत किए, उसके बाद भी आप देखिएगा कि कैसे इन चीजों का विरोध बहने करें, उसके बजाय यूनियन उनको इन चीजों में उलझा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम है उनके जरिए कर लिया गया। ये तो बहुत ज्यादा सोचने लायक बातें हैं कि किस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों के रहनुमा ही आंगनबाड़ी बहनों को इतर उतर जो है चीजों में उलझा करके रखे हुए हैं। ये खुद से आप सोचिए, आशा बहुओं का ही ये जो है कहना है और ये लेख कोई हमारा नहीं, अमर उजाला में प्रकाशित साफ लाइनें हैं आशा वर्करों की, जिसमें उन्होंने बताया भी है कि PMMVY यानी प्रधानमंत्री यही वाली मातृवंदना योजना, इसी का भुगतान 2019 से 2023 तक का आशा वर्करों का भी नहीं हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको ये क्या दे देंगे जब स्वास्थ्य विभाग के अपने खुद की आशा वर्करों को नहीं देते, जबकि स्वास्थ्य विभाग के काम आशा के साथ आंगनबाड़ी कई करती भी हैं, उनका पैसा आशा को मिलता लेकिन आंगनबाड़ी को नहीं मिलता। अब ऐसे में आप खुद से जरा सोचिए, अपने आप से पूछिए, जो आपसे ये कहे कि बहुत अच्छा काम हो गया है आशा से उठाकर आपको दे दिया गया, अगर इस तरीके से आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं लोग, समझा रहे हैं, उलझा रहे हैं आपके दिमाग को, तो कहीं ना कहीं ये चीजें ठीक नजर नहीं आती। ये काम का एक बोझ बढ़ा है
अब आप सोचो इससे कुछ अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा। जिन बहनों को ना फीडिंग आती ना कुछ आता, वो बहनें स्वयं से नहीं कर पाएंगी, वो बाहर से करवाएंगी और बाहर से इन चीजों में पैसा लगेगा। तो इन चीजों का मतलब क्या हुआ, जितना बाहर लगेगा उतना प्रशासन तो देगी नहीं, और उसके अलावा फिर आंगनबाड़ी को बचेगा क्या। ये सब चीजें हैं जो सोचिए। और उसके अलावा इन सब कामों में अगर उलझी रहेंगी तो उनका मेन काम उनसे दूर जा रहा है, बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन देना, उस ओर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन यहां पर ऐसे से काम अलग से थोपे जा रहे हैं, जो आज इनको कल उनको किसी को भी उठा करके सौंपे जा रहे हैं। आप ऐसे ही सोचिए, जो आशा कार्य करती थी एक मिनट में उठाकर आंगनबाड़ी को सौंप दिए गए, यानी स्वास्थ्य विभाग का काम महिला बाल विकास विभाग को सौंप दिया गया। तो ऐसे कोई कार्य ना हो जो गैर विभागीय हो, जो आज हमारे लिए कल उनके लिए परसों उनके लिए इस तरह से प्रशासन सौंपता फिरे। समझ रहे हैं, आपके जो मेन सेवाएं हैं आईसीडीएस की 6, उन पर हमें काम करना चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए प्रयास करने चाहिए, ताकि हमारा पक्का जो काम है वो हमसे छीन करके किसी और को ना मिले, वो हमारे पास रहे और हम उसको बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं। ये चीजें होनी चाहिए, ना कि ऐसे काम जो मेन काम है उनसे दूर कर दो और इस तरह के कामों को हम पर लागो और कल को क्या पता ये काम भी छीन लिए जाएं। ये सब चीजें हैं, इससे आशा बहुएं और संगिनी के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बाद में जो आशा बहुएं हैं उन्होंने पदमार्च करते हुए सीएमओ कार्यालय पहुंच करके सीएमओ को भी ज्ञापन सौंपा, चेतावनी भी दी है कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों पर निस्तारण नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। अब यहां पर ये चीजें हैं, अब देखिएगा, जो कि सीएमओ डॉक्टर राजकुमार जी उन्होंने भी बताया, दिशा निर्देशों के अनुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ये कुछ बातें वहां पर कही गई।